सोलन के कंडाघाट में स्थित कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा राष्ट्रीय मृदा दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस दिवस पर प्रभारी कृषि विज्ञान केंद्र डॉक्टर धर्मपाल शर्मा बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस दिवस पर जिला से आए किसानों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। उपस्थित किसानों को मृदा दिवस के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध करवाई गई। उन्हें बताया गया कि किसानों के लिए मृदा कितनी महत्व रखती है और इसकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। किसानों ने उपस्थित कृषि चिकित्सकों से जहन में उठ रहे सवाल किए और अपनी जिज्ञासाओं को भी शांत किया। चिकित्सकों ने किसानों का उचित मार्गदर्शन किया और मृदा की उर्वरता को बढ़ाने में आवश्यक टिप्स भी दिए। प्रभारी कृषि विज्ञान केंद्र डॉक्टर धर्मपाल शर्मा ने बताया कि हर वर्ष की तरह आज भी कंडाघाट में विभाग द्वारा धूमधाम से मृदा दिवस मनाया गया। इस मौके पर जिला भर से आए किसानों ने अपने विचार रखे और विभाग द्वारा उनका आवश्यक मार्गदर्शन भी किया गया। उन्होंने कहा कि कुछ किसान अपने खेत की मिट्टी भी जांच के लिए लाए थे। उनकी मृदा की आवश्यक जांच की गई और उन्हें मृदा की गुणवत्ता सुधार के लिए मार्गदर्शन भी दिया गया। उन्होंने कहा कि भविष्य में किसानों को ये भी बताया गया कि वे अपने खेत की मृदा जांच के लिए लाते समय क्या सावधानियां रखें। आज हमारे कृषि विज्ञान केंद्र सोलन में, जैसा कि हमें अथॉरिटी से आदेश था और हम सब जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश के 50 साल हो गए हैं और हम स्वर्णिम जयंती मना रहे हैं, उस जयंती के उपलक्ष्य में हमारे कृषि विज्ञान केंद्र सोलन को हमें मृदा दिवस मनाने के लिए आदेश हुआ था। और इसमें हमारे पास लगभग 50 किसानों ने अलग अलग दूर दूर गांव से आके यहाँ प्रतिभागी रहे और हमारे जो टीम थी केवीपी की, उन्होंने विशेषकर जो आज जो थीम था उसको ध्यान में रखते हुए मृदा से संबंधित जो जानकारी थी वो लोगों के साथ शेयर की। और कुछ लोग जो मिट्टी के सैंपल्स लेके आए थे उन्होंने हमने ले भी लिया और भविष्य में किस तरह सैंपल लेने हैं मिट्टी के, ताकि उसकी उर्वरा के बारे में हम अच्छी तरह जान सकें, उसकी पीएच कितनी है, उसका ऑर्गेनिक कार्बन कितना है, उसकी ईसी कितनी है और अलग अलग हमारे जो मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं उनके कितने कंटेंट है, ये सारी जानकारी हमारी टीम ने जो है वो बहुत अच्छी तरह किसानों को बताई। और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे प्रोग्राम, वैसे तो हम कृषि विज्ञान केंद्र में इस तरह के प्रोग्राम हमारे चले ही रहते हैं, ट्रेनिंग का विशेष करके प्रोग्राम रहता है, तो ऐसे प्रोग्रामों के माध्यम से हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करने का प्रयास करते हैं और सरकार का जो इस प्रोग्राम को चलाने की मंशा है उसको ठीक ढंग से हम उसको आत्मसात कर सकें और लोगों तक पहुँचा सकें, हमने प्रयास किया। धन्यवाद।